शीख समाजाच्या वतीने आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या 50व्या वाढदिवसानिमित्त वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम सोमवारी आयोजित करण्यात आला होता. कळंबोलीमधील KLE कॉलेजजवळ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते आणि आमदार निरंजन डावखरे यांच्या उपस्थितीत वृक्षारोपण करण्यात आले. यावर्षी उन्हाळ्यात 40 पेक्षा जास्त तापमान दर दिवशी अनुभवायला मिळाले. याची पुनरावृत्ती होण्यापेक्षा आपण वृक्षारोपण करणे, वृक्ष संवर्धन करणे यावर भर द्यायला हवा या हेतूने आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त वृक्षारोपण आणि वृक्ष संवर्धनासारखे उपक्रम राबविण्याचे आवाहन केले होते. या अनुषंगाने शीख समाजाच्या वतीने कळंबोली येथील KLE कॉलेजजवळील पनवेल सायन महामार्गावर 50 झाडांचे वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी माजी नगरसेवक हरेश पेणी, बबन मुकादम, अमर पाटील, राजू शर्मा, माजी नगरसेविका प्रमिला पाटील, मोनिका महानवर, भाजपचे कळंबोली शहर अध्यक्ष रविनाथ पाटील, अमर ठाकूर, अमरजीत सिंग आनंद, युवा नेते हॅपी सिंग, दिलीप बिस्ट, अतुल तांबे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शीख बांधव उपस्थित होते. शीख समाज के ओर से आज यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव यानि पेड़ लगाने का एक अच्छा और हमारे हमारे सारे सृष्टि के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐसा एक प्रोग्राम आपने लिया है और मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे साथ में लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया. इसके लिए मैं जसपाल भाई आपको और गुरुद्वारा कमेटी के हमारे सारे सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. हमारे पूरे कोकण रीजन के MNC निरंजन डावखरे साहब भी आज इस अवसर पर हमारे साथ में उपस्थित हैं. मैं उनको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. और आप सारे लोग मिलकर जो काम हर साल 365 दिन करते रहते हैं, खास करके कोरोना के समय में ना सिर्फ पनवेल के बाहर जाकर भी रूरल एरिया शहरों में आपने लोगों को खाना देने का जो काम किया और भूखे को खाना देकर ज़रूरतमंद को वहाँ पर सहारा देकर आपने जो काम किया है, मैं नहीं समझता कि कळंबोली, पनवेल, खारघर, कामोटा, न्यू पनवेल और पूरे पनवेल के लोग इसको भूल पाएंगे. और इसी कड़ी को आगे रखते हुए पिछले साल भी आपने यहाँ पर प्लांटेशन किया था, अब इस साल भी प्लांटेशन कर रहे हैं. और मेरे बहुत सारे सहयोगी, मैंने आज सबको कहा था कि गिफ्ट देने के बजाय आप प्लांटेशन करने को आइए, तो 2000 पौधे लगाने की शुरुआत आज यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं और जिन्होंने इसमें सहायता दी आज यहाँ पे भी पौधे लग रहे हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. और आपके सहयोग से ये काम हमेशा आगे बढ़ता रहेगा.